हेलो, वेलकम टू कंपटीशन। अब आज हम बात करने वाले हैं CHSL 13th मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट की, उसकी सबसे हार्ड जीके आई थी उसी के बारे में, मतलब अभी तक की जो भी जीके है उसमें सबसे हार्ड जीके थी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कंपटीशन हब को तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका, एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप का आया था, आपकी महात्मा गांधी का गुरु कौन है, तो आपको एक चीज़ बता दीजिए महात्मा गांधी के जो गुरु हैं वो कौन है। पॉलिटिकल गुरु की बात आ जाती है तो बालकृष्ण गोखले ये सभी को पता होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके धार्मिक गुरु हैं वो कौन है, श्रीमद् राजचंद्रायर, ठीक है, राजचंद्रायर ये आपके कौन है धार्मिक गुरु हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक तो कमर्शियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो कमर्शियल की बात आती है तो कोलंबो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड था वो रिलेटेड टू इंक्रीज द मनी ऑफ फार्मर, ठीक है। अरुण जेटली का अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी था दैट वॉज रिलेटेड टू। तो जो ऑपरेशन ग्रीन की बात की थी अरुण जेटली ने की थी, और उसमें क्या था उनका स्टेटमेंट किससे रिलेटेड था आपका, इन मनी इंक्रीज करने की फार्मर की, इसमें टमाटो पटेटो वगैरह इस तरीके से कोई भी एग्रीकल्चर फार्मर का खेतीबाड़ी करेंगे तो उससे इंक्रीज़ हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका था खेलो इंडिया से, खेलो इंडिया किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये आपका है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड फिटनेस इन वंस लाइफ इज़ अ इनवैल्यूएबल, ठीक है, इस चीज़ से आपकी रिलेटेड है खेलो इंडिया। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, एक मैं आपको बात बता दूं, आज के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए चाहे आप कौन सी भी शिफ्ट ले लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिल गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी शिफ्ट थी सेकेंड शिफ्ट, इसकी जीके पहले की कंपेयर में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मान सकते हो आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री 2007 हाउ मच मनी वॉज द लॉस्ट ऑफ द टोटल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि अभी मतलब पूरे वित्त वर्ष में कितनी बैंक की आपका इकोनॉमी से रिलेटेड था कि कितना घाटा हुआ है, कितना आपको बैंकों का घाटा हुआ है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। एक था सेंट्रल बजट से आपका एक क्वेश्चन आया था आज के एग्ज़ाम में, और सबसे बड़ी बात है एक क्वेश्चन जो आपका आया था विच इज़ रिलेटेड द पार्ट ऑफ 17, मतलब भाग 17 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल का वो किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे रिलेटेड है, ऑफिशियली लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका ये भाग है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है ये जो आपको एक लिंक है जिसमें आपके सारे के सारे और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको पूरी बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरा था कि व्हेन द हॉट एयर टू अप्रोच कोल्ड एयर व्हाट हैपेंड, ठीक है, इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक आया था विच एनिसेंट लैंग्वेज यूज इन, हाँ, जूनागढ़ जो आपका है उसमें कौन सी, तो जूनागढ़ का एक और नाम है चिंतामणि, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, जूनागढ़ से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गए हैं तो इसमें आपको यदि कभी आया तो पता लग जाएगा जूनागढ़ के फोर्ट पर कौन सी लैंग्वेज है, तो ये राजस्थान में राजस्थानी वगैरह लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब आपका और क्वेश्चन आए थे कि सादीर क्लासिकल डांस किससे रिलेटेड है, ये सोलो डांस भी है और आपका किस टाइप का फॉर्म है, तो मतलब डायरेक्ट उन्होंने नहीं पूछा सादीर के बारे में, इस टाइप से पूछा था देवदासी सोलो में, दो चीज़ में आ जाता है ये। एक और क्वेश्चन था आपका रेजिस्टेंस, मतलब निकालना था, एक पैरेलल सीरीज दी थी उस पर एक क्वेश्चन बेस्ड था आपका। एक क्वेश्चन आपका पित्त जूस, मतलब बिल जूस बेस्ड भी क्वेश्चन था, बायोलॉजी से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, उसके साथ साथ फिजिक्स से भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपका 2000 इकोनॉमी से रिलेटेड था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने न्यू बिल लॉन्च किया स्ट्रेटिकल फाइनेंस का, वो किस टाइप का बिल है, ठीक है, उससे रिलेटेड था। एक था आपका ग्रांड पिक्स से बॉर्न बाय द लुइस मेल्टर, इसका एक स्टेटमेंट आया था, आपको बताना था कि ये किससे रिलेटेड है, मतलब ये सही है गलत है। इतने सारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है, वो आपको अभी नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको, बहुत ही जल्दी मैं लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम का रिव्यू मिल जाएगा और सेकंड का तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू गिव वैल्यूएबल टाइम, और हो सके तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।